नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। फ्रेंड्स, इस आनंद और हर्षोल्लास के माहौल में आज मैं और आप मिलकर बनाते हैं भगवान के भोग के लिए व्रत और उपवास में खाई जाने वाली खिले खिले साबूदाने की और मखाने की खीर। खिले खिले साबूदाने की खीर मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज हम जो खीर बनाएंगे उसमें साबूदाने का टेक्सचर एकदम खिला खिला रहेगा, वो लंपी नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कि ये साबूदाने की खीर हम कैसे बनाएंगे और हम इसके इंग्रेडिएंट्स भी देखते हैं। पर प्लीज, इंग्रेडिएंट्स देखने से पहले आप मुझे मेरे चैनल संगीता विश्वरूप पर जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि मेरी रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। साबूदाने की खीर बनाने के लिए मैंने लिया है 1/2 कप साबूदाना, कोरा ही साबूदाना लिया है, पानी में भिगोना नहीं है इसे। और ये लिया है 3/4 कप शुगर, थोड़ा घी हमें चाहिए साबूदाना तलने के लिए। और मखाने को मैंने इस तरह से कट करके लिया है। ड्राई फ्रूट्स लेने हैं, हरी इलायची को बारीक पीस कर लेना है और केसर को मैंने दूध में घोल कर लिया है और एक नारियल के गोले को मैंने इस तरह से ग्रेट करके ले लिया है और 1 लीटर मैंने फुल फैट मिल्क लिया है। साबूदाने की खीर बनाने के लिए मैंने दूध को एक तपेली में ले लिया है, इसे हमें गर्म करना है दूध को अच्छी तरह से और उबालना है। फ्रेंड्स, ये दूध मेरा अच्छी तरह उबलने लग गया है, मैंने इसको 4-5 मिनट के लिए उबाल लिया है। इस तरह कंटिन्यूस इसे चलाते रहना है जिससे कि नीचे जले नहीं। अब मैं इसको साइड में कर लेती हूँ, धीमी आंच पर हम इसको साइड में और उबलने देंगे। तब तक यहाँ पर कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम साबूदाना तलने के लिए घी डालेंगे। फ्रेंड्स, ये अब घी गर्म हो गया है, गैस को मैं थोड़ा धीमा कर देती हूँ। अब ये साबूदाना लेंगे, ये रेगुलर साबूदाना है जो कि हम साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए लेते हैं, वही साबूदाना है। इस साबूदाने को हम इस तरह से घी में डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसे हमें तलना है। बहुत अच्छी तरह फूल जाता है, ये खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है साबूदाना तलने की। ये साबूदाना जब फूल जाएगा तब हम इसको निकाल लेंगे, गैस को फिर धीमा करके निकाल लेंगे इसको। ये अच्छी तरह से फूल गया है, इसके फूटने की भी आवाज आती है, ये देखिए। और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। इसी तरह सारा साबूदाना मैं इसी तरह तल के निकाल लेती हूँ। ये तला हुआ साबूदाना मैं इसमें डाल देती हूँ और दूसरा साबूदाना भी हम इसी तरह तल के इसमें डाल देंगे। फिर से थोड़ा साबूदाना इसमें डालेंगे तलने के लिए। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हमें तलना है जिससे ये अच्छी तरह से फूल जाता है। फ्रेंड्स, अब ये सारा साबूदाना तला हुआ हम इसमें डाल देते हैं। फ्रेंड्स, अब साबूदाना तलने के बाद हमें ज्यादा घी भी व्रत उपवास में नहीं चाहिए होता है, इसलिए मैंने सारा घी निकाल लिया है जो बचा हुआ और थोड़ा सा 1 टेबल स्पून घी इसमें रखा है। इसमें मैं ये मखाने डालती हूँ और इसको भी हम इसमें सौते कर लेंगे, अच्छे क्रिस्पी हो जाएंगे मखाने एकदम। मखाने को भी मैंने घी में अच्छी तरह सौते कर लिया है, क्रिस्पी आवाज आ रही है इसकी। अब हम इसे खीर में मिला देते हैं और इसी कढ़ाई में अब हम ये खोपरा जो मैंने ग्रेट किया हुआ है, खोपरा बोला, उसको भी हम इसी तरह सौते कर लेंगे, हल्का सा भून लेंगे जिससे कि इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। नारियल के ग्रेट किए हुए नारियल को भी मैं इस तरह सौते कर लेती हूँ, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इस तरह से सौते करके हम उसको खीर में डालेंगे। फिर खोपरा भी अच्छी तरह से सौते हो गया है, ग्रेट किया हुआ खोपरा है और हल्का सा इसमें पिंक कलर आने लग गया है। अब मैं इसे भी खीर में मिक्स कर देती हूँ। अब हमारा इसमें साबूदाना भी अच्छी तरह से गल गया है, खिला खिला टेक्सचर है, एकदम लंपी टेक्सचर नहीं होगा पर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है साबूदाना भी तला हुआ। और
खोपरा और हमने इसमें मखाने डाले हैं और अब ये गाढ़ी हो गई है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ 3/4 कप शुगर। आप चाहे तो कम खाते हैं शुगर तो कम भी डाल सकते हैं, आपके हिसाब से आप डाल दीजिए। अब ये शुगर में पानी निकलेगा, शक्कर का थोड़ा सा पानी छूटेगा, खीर वापस से पतली होगी। हम इसको 2-3 मिनट के लिए और अच्छी तरह उबालेंगे और शक्कर को घुलने देंगे। फ्रेंड्स, खीर अच्छी तरह उबल गई है। अब मैं इसमें ये मैंने शक्कर डाल के इलायची पाउडर इलायची को पीस लिया है, पाउडर बना लिया है, वो इसमें मिक्स कर देती हूँ। और ये केसर वाला दूध भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। और सबको मिक्स करके अब मैं इसकी प्लेटिंग करूंगी, गैस बंद कर देंगे। मैंने खीर को सर्विंग बाउल में ले लिया है। अब हम इस पर थोड़े ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। फ्रेंड्स, ये भगवान के भोग के लिए बनाई हुई साबूदाने और मखाने की खीर आपको जरूर पसंद आई होगी। इसको हम गर्म भी खा सकते हैं, ठंडा भी खा सकते हैं और बिना व्रत उपवास के भी एज ए डेजर्ट के रूप में हम इसे खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जरूर आप इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए।